अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का डिफरेंस जानेंगे कि आखिर डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस है। सो बिफोर वी मूव टू द डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड आउट कि लेबर किसको कहते हैं। देखिए, लेबर हर वो इंसान है जो अपनी सर्विसेज को सेल करता है, यानी कि वो अपनी सर्विसेज को सेल करके कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करता है। अब वो आपके लिए काम करता है और आप उसको अगेंस्ट उसको सैलरी या वेज दे देते हैं। अब लेबर हर कंपनी में काम करता है, किसी भी नौयत की कंपनी हो, लेबर आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि इंसान काम करके ही कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता है। बट जो क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की, वो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में मिलेगी, यानी कि जो कंपनी स्पेशली इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि वो प्रोडक्ट को बनाती है, सिर्फ ट्रेड नहीं करती, यानी कि एक कंपनी है जो बने बने प्रोडक्ट को लेती है और दूसरी मार्केट में सेल करती है, वहाँ पर प्रोडक्ट बन नहीं रहा, वहाँ पे सिर्फ बनी बनाई हुई प्रोडक्ट को एक मार्केट से लिया जाता है, दूसरी मार्केट में सेल किया जाता है। जहाँ पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ पर प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक बनाना पड़ता है। सो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, वहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की क्लासिफिकेशन नज़र आएगी, और दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही पार्ट हैं। बट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस है क्या। डायरेक्ट लेबर सिंपली वो लेबर होता है जो डायरेक्टली चीज़ को बनाता है, यानी कि वो खुद प्रोडक्ट को बनाता है, वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में। जो ये काम करता है ना, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट तक, वही आपका डायरेक्ट लेबर कहलाता है, राइट। बाकी जितने भी लेबर हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जितने भी आपके लेबर काम कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, राइट। अगर फैक्ट्री में काम हो रहा है तो फैक्ट्री में कुछ लोग मशीनरीज को ऑपरेट करते हैं और उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट लेबर हो चुके। लेकिन बहुत सारे और भी वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और वो सब बाय डिफ़ॉल्ट इनडायरेक्ट लेबर हैं, राइट। तो बेसिकली इन सिंपलेस्ट वे हम ये कह सकते हैं कि जो बंदा प्रोडक्ट को बनाए या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करे फिनिश गुड में, वो बंदा आपका डायरेक्ट लेबर है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम बेकरी में बेकर्स को देखते हैं, वो अगर बिस्किट बना रहे हैं या केक बना रहे हैं, तो उनके पास रॉ मटेरियल रहता है, मिल्क का, एग का, ऑयल का, उन सारी चीज़ों को वो जमा करके एक केक की रेसिपी को तैयार करते हैं, उनके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यानी कि जो बंदा वो काम कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर का काम कर रहा है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को, एग्स को, मिल्क को, ऑयल को, मैदे को, सबको मिला के एक रेसिपी तैयार कर रहा है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट केक की शक्ल में तैयार कर रहा है। यानी कि उसका जो काम है वो डायरेक्ट लेबर वाला है, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट लेबर है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर हर वो लेबर जो काम कर रहा है, जो सैलरी लेता है, लेकिन वो प्रोडक्ट को बना नहीं रहा खुद से, वो फैसिलिटेट कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे फैक्ट्री में अगर असेंबली लाइन में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई सुपरवाइज कर रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि सुपरवाइज़र की ज़रूरत मौजूद है फैक्ट्री में, चाहे वो फैक्ट्री में डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा कुछ भी, लेकिन उसकी जॉब है, और क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, और वो फैसिलिटेट कर रहा है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस वजह से उसे हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं, राइट। तो जो वर्कर्स भी फैसिलिटेट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में अदर देन प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। इसमें यही डिस्टिंक्शन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और बाद में हम समझते हैं कि आखिर हमें इन
की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? हम सबकी कॉस्ट को हम एक जगह जमा करके हम कहते हैं ये सब लेबर कॉस्ट हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास लेबर कॉस्ट में इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हैं और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हैं? इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये क्लैरिटी हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में आखिर किस तरह से डिस्टिंक्शन करनी है। एग्जांपल यहाँ पर रेस्टोरेंट की है। रेस्टोरेंट में क्या होता है? रेस्टोरेंट में खाना बनता है, डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, चाहे आपके फिज़िकली आएँ या ऑनलाइन आपको ऑर्डर दें, उनके लिए आपको खाना सर्व करना पड़ता है, उनको डिफरेंट तरह का कुजीन है उसको वो आपको बना के देना पड़ता है। अब उसको बनाएगा कौन? एक शेफ़ जो कि एक रेस्टोरेंट हायर करेगा, यानी कि जो उसका कोर बिज़नेस है वो खाना बनाना है, और जो खाना बनाने वाला है वो शेफ़ है। और क्योंकि शेफ़ का काम है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके खाना बनाना और एक बेहतरीन किस्म की डिश तैयार करना, तो जो कि खाने के काबिल हों, जो कि सेल करने के काबिल हों, तो हम उसके काम को देखते हुए ही उसे डायरेक्ट लेबर कह रहे हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है एक रेसिपी में या फिनिश गुड में। तो उसका काम जो है वो कन्वर्जन का है, इसी वजह से वो डायरेक्ट लेबर है। बट क्योंकि रेस्टोरेंट में सिर्फ वही एक बंदा काम नहीं कर रहा, जबकि वो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है खाना, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे और भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, खाना तो वो बना रहा है, लेकिन जो उस खाने को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ख़ुद जाके तो मार्केट से नहीं लेके आएगा। अब उसको लाने वाला भी कोई बंदा होगा, तो जो वो लेके आ रहा है वो फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसका काम खाना बनाना नहीं है, वो प्रोड्यूस खुद से नहीं कर रहा, लेकिन वो फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट में हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, तो वहाँ पर क्लीन करने के लिए किचन को भी किसी बंदे को हायर किया होगा रेस्टोरेंट ने, तो वो बंदा भी इनडायरेक्ट लेबर का काम कर रहा है, क्योंकि वो बना नहीं रहा ख़ुद से खाना, तो वो क्लीन कर रहा है। इसी तरीके से डिशेस होंगे, उसको आपको साफ़ करना पड़ेगा, बर्तन आप यूज़ करते हो वहाँ पर वो गंदे होंगे, तो उसको जो डिश वाशर है उसके लिए बंदा भी आपको हायर करना पड़ेगा, उसका भी एक्स्ट्रा काम है, वो भी फैसिलिटेट कर रहा है एक शेफ़ को किचन में। इसी तरीके से आपके पास किचन में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं, अब वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़राबी हो सकती है, ओवन ख़राब हो सकता है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जूसर मशीन है, ब्लेंडर्स हैं वगैरह वगैरह इस्तेमाल होती हैं चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पर कोई ख़राबी आए तो रिपेयरिंग के लिए आपके पास एक मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट रहता है, वो आपको रिपेयर करके दे रहा है, वो भी एक एक्स्ट्रा जॉब है जो कि फैसिलिटेट कर रही है एक शेफ़ को, वो खुद बना नहीं रहा खाना, यानी कि ये जो सारे बंदे हैं ये फैसिलिटेट कर रहे हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस को। प्रोडक्शन क्या हो रही है? वो खाने की हो रही है, लेकिन जो क्लीनिंग हो रही है, जो स्वीपिंग हो रही है, जो डिश वॉशिंग हो रही है, जो आपकी मशीन सपोर्ट हो रही है, इनफैक्ट सुपरवाइजरी जॉब भी आपको शेफ के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि उसका काम है कि वो ऑर्डर्स शेफ को बताए और उसका हिसाब किताब रखे, कितने ऑर्डर्स कितनी क्वांटिटी में दिए गए हैं, क्या वो सारी क्वांटिटी बनी है नहीं बनी हुई है, उसके बारे में जो हिसाब किताब रखेगा वो सुपरवाइज़र रखेगा। इसी तरीके से कोई बंदा ऑर्डर लेके आएगा उसके लिए अलग बंदा होगा, तो ये सारे जो बंदे हैं ये काम तो कर रहे हैं, सब लेबर हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, डायरेक्टली प्रोड्यूस आपका शेफ कर रहा है जो कि कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, लेकिन जो ये सारे एक्स्ट्रा बंदे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है और वो सारे फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वही इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं बेसिकली कि डिस्टिंक्शन आखिर डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की पेश ही क्यों आई। देखें, डायरेक्ट लेबर जो है ना उसकी कॉस्ट को हम एसोसिएट या एलोकेट कर सकते हैं एक प्रोडक्ट के साथ। कैसे? एक बंदा जो डिश बना रहा है, शेफ डिश बना रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है, उसकी जो भी कॉस्ट है हम एक प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। कैसे? हम ये जानते हैं कि एक डिश को बनाने में कितना टाइम लगता है, और जो भी हमसे एक लेबर चार्ज कर रहा है पर आवर, हम जानते हैं कि वो 5 रुपीज़ पर आवर चार्ज कर रहा है, 100 रुपीज़ पर आवर चार्ज कर रहा है, 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है पर आवर। तो अगर एक डिश को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 2000 कॉस्ट आ गई इस प्रोडक्ट में लेबर की, जो कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। मगर बहुत सारे जो
अदर एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रोड्यूस करने में खाना, हम उनकी कॉस्ट को किस तरह से एक प्रोडक्ट में एलोकेट कर सकते हैं। कोई बंदा सफाई कर रहा है, कोई बंदा डिश वॉश कर रहा है, कोई बंदा सुपरवाइज कर रहा है, कोई इंग्रेडिएंट्स को लेके आ रहा है, तो इंग्रेडिएंट्स सिर्फ एक डिश के तो हैं नहीं, वो हज़ारों डिशेस के लिए हैं। एक ही इंग्रेडिएंट से आप 100 डिशेस बना सकते हैं। इसी तरीके से क्लीनिंग है, वो ज़ाहिर सी बात है किचन में हो रही है जिसमें आप हज़ारों डिश बना सकते हैं। सुपरवाइज़र सिर्फ एक डिश को नहीं देख रहा, वो हज़ारों डिशेस को देख रहा है। तो इन सब की जो कॉस्ट है वो एक प्रोडक्ट के साथ एलोकेट करना मुश्किल है। उनकी जितनी भी कॉस्ट है उनकी डिफरेंट अकाउंटिंग है। हम डायरेक्टली एक प्रोडक्ट में उनकी कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते, जिस तरह हमने एक डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को एलोकेट कर लिया एक प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज थी वो हमें पता लगी कि एक बंदे ने जो डायरेक्टली प्रोड्यूस किया है वो काम, उसको कितना टाइम लगा है और वो हमसे एक घंटे का कितना चार्ज करता है। तो उस प्रोडक्ट में हमने उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करके उसकी कॉस्टिंग कर ली, लेकिन हम उन बंदों की जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनकी हम कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते। और इसी डिफ़िकल्टी की वजह से डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैं इन दोनों को की कॉस्ट को एलोकेट करने के, जिसकी वजह से हम एक डिस्टिंक्शन बनाए हुए हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये दोनों बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ही कॉस्ट कहलाती हैं, क्योंकि जाहिर है कि दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग में ही दोनों कॉस्ट आ रही हैं और काम हो रहा है। तो लेबर तो सब मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटी के ही हैं, लेकिन डिस्टिंक्शन है। बहरहाल वो मैंने आपको समझा दी। होपफुली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।